इन्फो फॉर पेशेंट। अक्सर पेशेंट आपसे सवाल करते हैं कि जी सर ये नर्व डेफनेस क्या होती है, सेंसरी न्यूरल डेफनेस क्या होती है। अगर किसी भी पेशेंट का फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट बिल्कुल नॉर्मल हो, उसका जो थर्ड सेगमेंट है, थर्ड सेगमेंट का मतलब ये है कि कान का वो हिस्सा डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द ईयर दैट इज द थर्ड सेगमेंट, और इसका जो कनेक्शन इसका जो दिमाग के साथ है, नर्व के साथ है, अगर उसमें प्रॉब्लम आएगा और वो साउंड वेव्स को दिमाग के उस हिस्से तक नहीं पहुंचाएगा जहाँ पे जो उस आवाज़ को परसेप्ट करता है, तो इसको नर्व डेफनेस कहते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है नर्व डेफनेस, कंडक्टिव डेफनेस और नर्व डेफनेस का मतलब ये है कि जब नर्व में प्रॉब्लम होगा तो उसको सेंसरी न्यूरल डेफनेस कहेंगे, जब कंडक्टिव पाथवे में मसला होगा तो उसे कंडक्टिव पाथवे कहेंगे। अब सेंसरी न्यूरल डेफनेस किस कंडीशन में होता है? सेंसरी न्यूरल डेफनेस होता है अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाए और कान डैमेज हो जाए, इसके अलावा ओल्ड एज में मोस्ट कॉमनली सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है, या कुछ ऐसी ईयर की डिजीज़ होती है, वायरल इन्फेक्शन लेब्रेंथाइटिस हो जाए तो उसमें भी ये डेफनेस हो जाती है। अगर किसी को सेंसरी न्यूरल डेफनेस है तो उसकी ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम हेयरिंग एड होता है, और अगर एडवांस ऐसी डेफनेस जो कि हेयरिंग एड की रेंज से ज़्यादा हो तो उसके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट होता है।